गाइस हर एक गेमर या फ्री फायर प्लेयर का ड्रीम होता है कि वो एक तगड़ा और महंगा गेमिंग सेटअप बनाए और उसमें गेम खेले। लेकिन गेमिंग सेटअप बनाना कोई मामूली बात नहीं होती है, क्योंकि एक तगड़े गेमिंग सेटअप बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, जो कि नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आप अपने मन में सोचते ही होंगे कि हमारे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में सबसे बेस्ट गेमिंग सेटअप किसका होगा। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट गेमिंग सेटअप ऑफ इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर पे जो गेमिंग सेटअप आता है वो है एसके सबीर का। आपने बिल्कुल सही सुना, एसके सबीर का सेटअप भी इस वीडियो में है। आप में से बहुत सारे बंदों को एसके सबीर के सेटअप के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन इनका जो सेटअप है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इन्होंने अपने सेटअप में अपनी क्रिएटिविटी से बनाया है और अपनी क्रिएटिविटी से बहुत तगड़ा सेटअप बनाया है। इन्होंने कम पैसे में बहुत अच्छा सेटअप बनाया है और इनका एक टेबल है जिसपे दो मॉनिटर रखे हुए हैं और जो पीसी है वो नीचे के साइड रखे हैं। इनका जो सेटअप है वो ड्यूल स्क्रीन सेटअप है और इन्होंने आरजीबी लाइट भी बहुत बढ़िया से लगाई है। आप कमेंट में बताना आपको ये सेटअप कैसा लगा। नंबर 4 पे जो गेमिंग सेटअप आता है वो है टू साइड गेमर्स का। इन्होंने अपने सेटअप का वीडियो 2 साल पहले डाला था, लेकिन उस टाइम के हिसाब से इनका गेमिंग सेटअप ने सभी को शॉक कर दिया था और इन 2 सालों में इन्होंने अपने सेटअप में शायद ही अपग्रेड किया होगा। इन्होंने उस टाइम पे भी बहुत ही तगड़ा सेटअप बनाया था। ये सेटअप को आप ड्रीम सेटअप भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ हर एक चीज मिल जाएगी जो कि गेमर को जरूरत पड़ती है और इनके सेटअप में भी ड्यूल स्क्रीन सेटअप है। Fuck what you heard, cause at the end I got myself right back to the curb. I took my time and found a way, cause I did it first. If you're riding, give me a reason. If I'm riding with my stick, you know I ain't got no problem. I'm a little kid, but I'm still stepping with some blood bottoms. I was only stepping half when I was back to full throttle. When it's rainy days, I end up sipping on the full bottle. If I'm riding with my stick, you know I ain't got no problem. I'm a little kid, but I'm still stepping with some blood bottoms. I was only stepping half when I was back to full throttle. When it's rainy days, I end up sipping on the full bottle. I say what I say, cause I keep my word. And I don't care about no politics, fuck what you heard. Cause at the end, I got myself right back to the curb. I took my time and found a way, cause I did it first. थ्री पे जो सेटअप आता है वो है ज्ञान गेमिंग का। इनका सेटअप काफी ज्यादा यूनिक है। इन्होंने अपने सेटअप में ज्यादा लाइटिंग नहीं की है और इनका रूम पूरा व्हाइट है। और बात करें इनके पीसी सेटअप की, तो पीसी सेटअप भी बहुत ज्यादा तगड़ा है। वो चाहे सीपीयू हो या ग्राफिक कार्ड हो, सब बहुत अच्छा है। और इनका पीसी लगभग 8 लाख रुपए का है और इनके सेटअप में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है। सेकेंड नंबर पे जो सेटअप आता है वो है लोकेश गेमर का। इनका सेटअप मेरा तो फेवरेट सेटअप है। आप लोगों का इनमें से कौन सा फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताना। इनका सेटअप शायद हमारे इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव सेटअप है और लोकेश गेमर का जो सेटअप है क्या ही तगड़ा दिखता है, काश हमारे पास होता। और वो छोड़ो, वो सपने की बात है। बात करें इनके सेटअप के बारे में, तो इनका सेटअप ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है और इनके सेटअप में जो मोस्ट एक्सपेंसिव बना देती है वो है इनका गोल्डन हेडफोन। लेकिन एक बात सुनकर आप इन पर हंसोगे, लोकेश के पास 12,000 वाला कीबोर्ड है लेकिन ये 300 के कीबोर्ड को यूज करते हैं। और इनके सेटअप में जो जान डाल देने वाली चीज है वो है इनके आरजीबी लाइट, क्या ही तो तगड़ी दिखती है। और आप इनके वीडियो का छोटा सा क्लिप आप बैकग्राउंड में देख ही सकते हो। ये आपको नॉर्मल कीबोर्ड लग रहा है, सस्ता 100 रुपये 300 का कीबोर्ड है, क्योंकि मेरे को यही बहुत प्यारा लगता है यूज़ करने में, इसीलिए मैं ये यूज़ करता हूँ, ना कि ये देखो। और इसकी For
was leaving. If you're riding, give me a reason. If I'm riding with my stick, you know I ain't got no problem. I'm a little kid, but I'm still stepping with some blood bottoms. I was only stepping half when I was back to full throttle. When it's rainy days, I end up sipping on the full bottle. If I'm riding with my stick, you know I ain't got no problem. I'm a little kid, but I'm still stepping with some blood bottoms. I was only stepping half when I was back to full throttle. When it's rainy days, I end up sipping on the full bottle. I say what I say, cause I keep my word. And I don't care about no politics, fuck what you heard. Cause at the end I got myself right back to the curb. I took my time and found a way, cause I did it first. नंबर वन पे जो सेटअप आता है वो है एएस गेमिंग का सेटअप। इनका सेटअप हर एक गेमर का ड्रीम सेटअप है। ये सेटअप में गेम से रिलेटिव चीज के अलावा बहुत कुछ है, जैसे देख ही सकते हैं उनके रूम के अंदर अच्छी लाइटिंग रखी गई है, और उसके अलावा सामने की तरफ 65 इंच का बहुत ही बड़ा टीवी है, और उसके नीचे नियॉन सिंक चार चांद लगा दे रहे हैं, और PS5 जिसमें बहुत हाई ग्राफिक के गेम खेल सकते हैं। अब चलते हैं इनके गेम पीसी सेटअप की ओर। अब तक हमने जिन जिन का सेटअप दिखाया उनमें सबसे बड़ा सेटअप इन्हीं का है, और इनका सेटअप ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है, और इनका सेटअप में हर एक चीज है जो कि एक गेमर को चाहिए होती है, इसलिए ये सेटअप नंबर वन पे है। तो गाइस आज की स्टूडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस हमें भी सपोर्ट दिखाओ यार, हम भी छोटा सा गरीब यूट्यूबर वाला टूर लाएंगे। और गाइस अगर आपने अली वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो को जाके देख लेना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। और हम लोग 3 बजे वीडियो अपलोड करते हैं यार, गाइस देख लिया करो आके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।